चेन्नई ने जीत से किया आईपीएल 2024 सीजन का आगाज, दिखाया जीत का अंदाज। आरसीबी की 6 विकेट से हुई हार, अनुज रावत की तूफानी पारी हुई बेकार, मुस्तफिजुर ने बॉलिंग में दिखाया दम, फिर से अपने गढ़ में सीएसके ने विरोधियों को किया बेदम। जी हां, आप देख रहे हैं भारत पॉजिटिव। दोस्तों, चेन्नई में सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स को मात देना अब तो टेढ़ी खीर हो गई है। कुछ यही दिखा इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के पहले मुकाबले में, जहां रॉयल चैलेंजर्स का चैलेंज नहीं चला और जीत गई थाला की टीम, जिसके इस बार नए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ हैं। लेकिन उनके पीछे का दिमाग आज भी महेंद्र सिंह धोनी का है, जिसे पूरी दुनिया कैप्टन कूल के नाम से जानती है। भला थाला के होते हुए कैसे आरसीबी मैच जीत जाती है? चेन्नई की टीम ने बेंगलुरु को 6 विकेट से मात दे दी। पहले तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की, लेकिन तेज शुरुआत के बाद भी आरसीबी की टीम लड़खड़ा गई। पहला विकेट 41 के स्कोर पर गिरा, उसके बाद विकेट लगातार गुच्छे में गिरते चले गए। एक वक्त तो बेंगलुरु के 78 रन पर 5 विकेट गिर गए थे। किसी को लगा नहीं था कि स्कोर यहां तक पहुंच सकता है। सभी दिग्गज बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता अख्तियार कर रहे थे। कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने तेज तर्रार 35 रन जरूर बनाए, विराट कोहली कोई कारनामा नहीं दिखा पाए और महज 21 रन पर चलते बने। इसके अलावा रजत पाटीदार और ग्लेन मैक्सवेल बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। फिर आए अनुज रावत और दिनेश कार्तिक, जिन्होंने अच्छे से मोर्चा संभाला, बेंगलुरु के स्कोर को 173 रनों तक पहुंचाया। अनुज रावत की बात कर लेते हैं, 25 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्के की मदद से इस नए टैलेंट ने नाबाद 48 रन बनाए, अर्धशतक नहीं बना पाए, अपना खुद का स्कोर जो है वो 50 के पार नहीं ले जा पाए, लेकिन टीम को जरूर एक मुकाम तक पहुंचा गए। वहीं दिनेश कार्तिक की बात करें, हमारे डीके भाई 26 गेंद में 38 रन बनाकर ये भी नाबाद लौटे। उनके बल्ले से 3 चौके और 2 छक्के निकले और इस तरह से चेन्नई को आरसीबी ने 174 रनों का टारगेट दिया। बात कर रहे बॉलिंग की, तो चेन्नई की तरफ से मुस्तफिजुर रहमान ने शानदार गेंदबाजी की, अपने 4 ओवर के कोटे में 29 रन देकर 4 अहम विकेट झटके। इसके अलावा दीपक चाहर ने 1 विकेट अपने नाम किया। दोस्तों, ये जो स्कोर है 174 रन का, ये एक टारगेट बन गया जिसका पीछा करने जब सीएसके उतरी तो तूफानी शुरुआत से। पहला विकेट 38 रन पर ऋतुराज गायकवाड़ के तौर पर गिर गया। वहीं रचिन रविंद्र ने ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए महज 15 गेंद पर 37 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 3 चौके और 3 छक्के निकले। उनका स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे 246.67 का रहा है। इसके अलावा डेरिल मिशेल की बात कर लेते हैं, 22। अजिंक्य रहाणे की बात कर लेते हैं, 27 रन उन्होंने बनाए। वहीं शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा ने बाकी का काम पूरा कर लिया और चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से जीत दिलाए। शिवम दुबे ने 28 बॉल्स पर 4 चौके और 1 छक्का की मदद से नाबाद 34 रन बनाए। वहीं रविंद्र जडेजा ने भी नाबाद रहते हुए 25 रनों का योगदान दिया तो टीम की जीत पक्की की। बेंगलुरु की तरफ से गेंदबाजी में कैमरन ग्रीन ने 3 ओवर में 27 रन देकर सबसे ज्यादा 2 विकेट अपने नाम किए। इसके अलावा यश दयाल की बात कर लेते हैं, कर्ण शर्मा की बात कर लेते हैं, दोनों के खाते में 1-1 विकेट गए। कुल मिलाकर यह कहा जाए तो चेन्नई की तरफ से बिना किसी 50 के भी यह मुकाबला जीत लिया गया, यानी सभी खिलाड़ियों ने अपना बराबर का और अहम योगदान दिया और आरसीबी को अपने गढ़ में मात दे दी। आपको बता दें कि 2008 के बाद से यहां आरसीबी चेन्नई के खिलाफ कोई भी मुकाबला जीत नहीं पाई है और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। फिलहाल तो यह आईपीएल के 2024 सीजन का आगाज है, लेकिन चेन्नई ने जीत के साथ ही अपने तेवर दिखा दिए हैं और यह स्टेटमेंट भी दे दिया है कि भले ही कप्तान बदल गया, चेन्नई की जीत की चाहत नहीं बदली और उनकी पूरी कोशिश होगी कि छठी बार इस खिताब पर अपना कब्जा किया जाए। क्या कुछ कहना है इस मुकाबले को लेकर, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। दिखते रहिए भारत पॉजिटिव।